नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा है, जिसके कारण कर्मचारियों ने सरकार को बड़ी चेतावनी भी दे दी है। क्या खबर रहने वाली है, पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो ना मैं क्यों गर्जे HRTC पेंशनर। निगम के पेंशनर ने हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के बैनर तले जिला मुख्यालय ऊना पर जमकर हल्ला बोला और जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों व लंबित लाभों की मांग को लेकर संघर्ष करते आ रहे परिवहन निगम के पेंशनर का आक्रोश पिछले कल फूट पड़ा। HRTC पेंशनर प्रदेश सरकार के सड़ेल रवैये के चलते उनकी मांगों, समस्याओं व लाभ न मिलने पर आत्मदाह करने पर भी उतारू हो चुके हैं। सालों से लंबित चल रही परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को लेकर इस प्रदर्शन की अगुवाई कल्याण मंच द्वारा की गई थी। कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलरामपुरी ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम परिवार से आने वाले CM सुखविंदर सिंह सुखू ने सत्ता हासिल करने से पहले इन पेंशनर्स की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान करने का ऐलान किया था, लेकिन प्रदेश सरकार के गठन को कितना समय बीत चुका है, अभी तक उन्हें इन कर्मचारियों का दर्द दिखाई नहीं दिया। बलरामपुरी ने कहा कि वर्ष 2015 से महंगाई भत्ते की अंतिम राहत और महंगाई भत्ते के ऋण की अदायगी भी नहीं की गई। सेवा काल के 20 और 32 वर्ष पूरा करने के बाद दी जाने वाली वेतन वृद्धि का ऋण भी जारी नहीं किया जा सका। ये रही बड़ी खबर कि HRTC के पेंशनर पिछले लंबे समय से अपनी मांगों व लंबित लाभों की मांग को लेकर संघर्ष करते आ रहे परिवहन निगम के पेंशनर का आक्रोश पिछले कल ऊना में फूट पड़ा है। तो ये रही बड़ी खबर। ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।